हेलो एवरीवन सो हेस कम विद द न्यू रिक्रूटमेंट दैट इज फ्रॉम द भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बी की तरफ से आपका एक रिक्रूटमेंट आपको ओपन हुआ है ठीक है इसके बारे में अगर आपको जानकारी अभी तक नहीं थी तो इसके बारे में जानकारी मैं आपको दे देता हूँ ठीक है जनरली ये हमारे पास में आप सभी जानते होंगे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की तरफ से जो हमारे जितने भी डिफेंस सेक्टर के अंदर जितने भी हमारे पास मिसाइल्स एंड इसके अलावा जितने भी रॉकेट लॉन्चर्स एंड इसके अलावा हमारे जितने भी टॉर्पीडोज होते हैं ठीक है ना ये सारा हमारा जो है ना भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की तरफ से आपका डिजाइन किया जाता है ठीक है ना तो ये हमारे पास एक्चुअली जो है ना ये पी है हमारा एक से

और कितनी नंबर आप पोस्ट के लिए है तो इसके बारे में ध्यान सुनिएगा ये जो रिक्रूटमेंट आपका ओपन हुआ है ये हंड्रेड नंबर आप पोस्ट के लिए है लेकिन यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट आपका है ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है ठीक है ना लेकिन आप सभी के लिए बहुत इंटरेस्ट वाला पार्ट है इसका जो लोकेशन आपके पास में है वो हैदराबाद हो सकता है तेलंगाना बेंगलुरु कर्नाटका ठीक है ना संगर रेड्डी तेलंगाना विशाखापत्नम आंध्र प्रदेश कोची केरला मुंबई महाराष्ट्र इन यूनिट्स जो है आपकी बी डी की वहाँ पर कहीं भी आपका पोस्ट हो सकता है इसमें डिफरेंट हमारे पास में क्या है आपके पास पोस्ट आई है ठीक है तो हमारे पास कुछ पोस्ट हमारे पास प्रोजेक्ट ऑफिसर की है प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट हमारे पास में है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी यहाँ पर मेंशन किया गया है और नंबर ऑफ हमारे पास जो आपके पास पोस्ट है टोटल में से ठीक है तो वो भी हमारे पास यहाँ पर मैंशन किया गया कि एक्चुअली हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ पोस्ट किस किस पर्यटली कैटेगरी के लिए है तो बिकॉज अगर आप ध्यान सुनिएगा अगर आप बिलोंग करते हैं अगर आप बिलोंग करते हैं आपका इन पटेगोली इनमें से किसी पर्यटली कैटेगरी के हिसाब से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं मैकेनिकल से हैं कंप्यूटर साइंस से हैं ठीक है ना तो आपके लिए सर्च सर पटेल क्या है आपके पास ये पोस्ट आपकी ओपन होकर के आती है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए या फिर हमारे पास में क्या है अलग अलग पटिवली प्लेस ऑफ पोस्टिंग के हिसाब से ठीक है ना तो ये हमारे पास डिफरेंट पटिवली नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ पोस्टिंग के हिसाब से हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ आप पोस्ट आपको ओपन होकर के मिल सकती हैं तो अगर आप इन ब्रांचेस से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये है ठीक है ना एंड इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ दूसरी आपकी जो लोकेशन है वो है आपका भनर यूनिट संगारेडी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना के अंदर में तो वहाँ भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल सिविल कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल मैं बात कर रहा हूँ मेजरलीस के लिए बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द केमिकल इंजीनियरिंग सो आपके लिए एक प्रोजेक्ट इंजीनियर केमिकल इंजीनियरिंग की भी है पोस्ट है और इसके सिक्स नंबर ऑफ पोस्ट है छह पोस्ट हमारे पास टोटल हैं वो आपके ओपन होकर के आई हैं ठीक है तेके? तो इनका हमारे पास टोल जो, जो नंबर ऑफ पोस्ट है उनको डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया गया है जो टोटल हंड्रेड पोस्ट की बात की जा रही है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल हंड्रेड पोस्ट की ठीक है ना ये छह जो है ये ये इस यूनिट के लिए तो टोटल में से अन के लिए फोर्टी फाइव है एस के लिए फिफ्टीन एस के लिए सेवन है ओबीसी नॉन के लिए ट्वेंटी के लिए टेन पोस्ट हैं ठीक है तो छह में से डिवीजन कैसा होगा ये भी क्लियर नहीं है तो आप जो है ना अगर कैमकाजिंग से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये पोस्ट है ठीक है ना पोस्ट कोड आपके पास है फोर जीरो सिक्स पी सी एच बी ये आपके पास में है प्रोजेक्ट इंजीनियर केमिकल की आपके पास में पोस्ट है ठीक है ना चलिए जी अब अगर बात करते हैं तो यहां पर ये यह ध्यान रखेगा जो फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स ना तो उनके लिए यहाँ पर रिजर्वेशन भी है तो उनके लिए भी पोस्ट यहां पर डिफाइन की गई है तो प्रोजेक्ट इंजीनियर या प्रोजेक्ट ऑफिसर मैक्सिमम एज लिमिट जो दी गई है अंड कैटेगरी की ईडब्ल्यूएस कटेगरीज के लिए ट्वेंटी एट ईयर्स है 10 मई दो हजार तेईस यहाँ पर आपकी है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं हमारे पास 28 years है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको वहां पर आपको मिलता है फाइव ईयर एंड टेन ईयर्स का और रिलेक्शन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है ठीक है ना अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, के लिए। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं तो आपके पास सिक्स परसेंट बी बी टेक आपके पास मार्क्स होना चाहिए ठीक है ना साल का आपके पास कोर्स होना चाहिए इंडिकेटेड एम ई एम टेक कोर्स है तो भी अप्लाई कर सकते हैं और डिसिप्लिन आपके के अंदर में, में, हैं। मतलब में के तो आगे आगे है मतलब मैकेनिकल के साथ साथ अगर आपके पास इंडस्ट्री प्रोडक्ट इंजीनियर का डिग्री है मैकेनिकल प्रोडक्शन टूल इंजीनियरिंग का है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का अगर इनका कोई भी अगर आपके पास में डिसिप्लिन का, का डिग्री है देन डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर द प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल ठीक है ना आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर फील्ड एक्सपीरियंस ने लिखा है कि मिनिमम वन ईयर आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन अगर एक्सपीरियंस अगर है कॉम्पाउंड मैन्यूफेक्चरिंग असेंबली या सिस्टम सब सिस्टम प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल अगर इस टाइप का अगर कोई भी आपका एक्सपीरियंस है तो वो जो है ना आपके लिए यहाँ पर यूजफुल होने वाला है ठीक है ना समरली आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी यहाँ पर मैंशन किया गया है इलेक्ट्रिकल के लिए भी मेंशन किया गया है अब बात करते हैं केमिकल के लिए तो केमिकल के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन हमारे पास है फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग का और इन रिलेवेंट फील्ड फॉर द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास में होना चाहिए ठीक है ना या फर्स्ट क्लास आपके पास एमएससी डिग्री अगर आपके पास में है एक्सप्लोसिव केमिस्ट्री से है तो भी आप जो है ना इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कामकाल इंजीनियरिंग एमएससी का आपके पास डिग्री होना चाहिए इसके अलावा कोई भी यहाँ पर केमिकल टेक्नोलॉजी ब्रांचेस के स्टूडेंट नहीं कर सकते प्योर आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग का डिग्री अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर ठीक है ना छह नंबर आप पोस्ट यहाँ पर है वन ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ केमिकल रिसीविंग स्टेशन स्टोरेज सेफ्टी प्रिकॉशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल कंपोजिशन मेजरमेंट बिलिंग वर्क एस्टिमेशन एक् ये नॉर्मली आपके पास अगर एक्सपीरियंस अगर है तो अप्लाई करेंगे क्वालिटी इश्योरेंस का अगर है प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स प्रोजेक्ट अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन का इस तरह का अगर एक्सपीरियंस है तो वो तो भी आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं ठीक है ना छह पोस्ट हमारे कामकाज के लिए यहाँ पर ओपन होकर के आई हैं ठीक है ना तो ये बाकी ब्रांचेस का सिविल का भी है हमारे पास में प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए हमारे पास अलग है आपका ठीक है ना फाइनेंस का तो हम है प्रोजेक्ट इंजीनियर के अंदर में आप जो है अप्लाई करने वाले हैं के अंदर प्रोजेक्ट इंजीनियर के अंदर अब आते हैं क्वालिफिकेशन परसेंटेज रिलेक्सेशन अगर आपके बात करते हैं तो अगर आपके पास एस सी कैटेगरी में है तो आपका 55 परसेंट अगर है तो भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं बाकी हमारे पास ब्रांचेस के लिए 60 परसेंट रखा गया प्रोजेक्ट इंजीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर मस्ट प्रोसेस मिनिमम वन ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जो भी एक्सपीरियंस है वो आपके के बाद का होना चाहिए? Finance, ना ये हमारे पास में क्या है अगर आपने कहीं से अप्रेंटिसशिप की है जैसे बहुत से लोगों ने एसपीसील से किया है सेल से किया हुआ है तो आपने अगर अप्रेंटिसशिप की हुई है तो भी जो है ना इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं वहां पर आपको एक्सपीरियंस काम आने वाला है एकेडमिक टीचिंग इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वर्क एक्सपीरियंस विल नॉट एज एक्सपीरियंस आप जो समरशिप वगैरह करते हैं वो एक्सपीरियंस कंसिडर नहीं किया जाएगा आपके पास में पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ठीक है ना सैलरी प्रूफ डॉक्यूमेंट आपको जो है ना बैंक स्टेटमेंट जो भी आपके पास में है वो आपको वहाँ पर पे करना दिखाना रहेगा अपना ठीक है एंड इसके अलावा अगर बात करते हैं जो इलेक्ट्रेशन है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है क्या कैसे कैसे आपको मिलने वाले हैं टेनर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर मैंशन किया गया है कि प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑफिसर के लिए जो आपके पास फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है फॉर पीरियड ऑफ वन ईयर है एक साल के लिए आपका रखा गया है और जो कि आपका चार साल तक एक्सटेंड भी किया जा सकता है एक साल के लिए अभी रखा जाएगा लेकिन वो चार साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट्स एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जैसी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उसके बेसिस पर जो नोमिनेशन आपको परम दिया जाएगा पहले साल आपको तीस हजार मिलेगा ठीक है ना दूसरे साल आपको तैतीस हजार थर्ड ईयर थर्टी सिक्स थाउजेंड फोर्थ ईयर में थर्टी नाइन थाउजेंड आपको जो आपको है पे किया जाएगा ठीक है ना कॉन्सोलेटेड अमाउंट आपको एक जो है ना वो आपको पे किया जाएगा इस इसके अंदर में एंड इसके अलावा हमारे पास में इन एडिशन टू द जूनियर ऑफिसर्स एंड अमाउंट ऑफ टेन थाउजेंड पर ईयर विल बी पेड टू आर्स एक्सपेंशन लाइक मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अटायर अलाउमेंट स्टेचिंग चार्जेस सबके लिए आपको टेन थाउजेंड पर एन जो है ना आपको एक्स्ट्रा मिलेगा ठीक है ना तो ये ध्यान रखिएगा एंड सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सिंपली यहाँ पर मैंशन किया गया है कि आपके पास में क्राइटेरिया क्या है ग्रेगेट मार्क्स परसेंटेज इन द क्वालिफिकेशन ऑफ रिलेवेंट डिसिप्लिन फॉर ईच परसेंटेज ऑफ क्वालिफिकेशन विल एलोकेट वन मार्क्स हाउर मैक्सिमम मार्क्स विल बी एलोटेड सेवेंटी फाइव ओनली ठीक है ना तो जो भी हमारे पास क्वालिफिकेशन आपका है तो उसके हिसाब से आपको जो है ना जो भी आपके परसेंटेज ऑफ आप मार्क्स उसके बेसिस पर आपको जो है ना वेटेज दिया जाएगा सेवेंटी फाइव मार्क्स मैक्सिमम तक का ठीक है रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अगर आपके पास में है अगर एक साल का है तो तीन नंबर दो साल का है तो छः नंबर तीन साल का तो दस नंबर आपको मिलेंगे टेन मार्क्स आपके ये हो गए इंटरव्यू आपका होगा फिफ्टीन मार्क्स का टोटल हंड्रेड मार्क्स का आपको वेटेज है मतलब तो टोटली जो आपका सिलेक्शन है वो आपका इंटरव्यू बेसिस पर है लेकिन वहाँ पर आपका एकेडमिक जो आपका परसेंटेज है उसके मार्क्स देन आपके पास में जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसके मार्क्स देन हमारे पास में क्या है आपका इंटरव्यू के मार्क्स को मिला करके यहाँ पर सिलेक्शन होगा ठीक है ना चलिए और इंटरव्यू के लिए जो कॉलिंग की जाने वाली है वो वन रेशो टेन में आपके पास कॉलिंग की जाने वाली है लिस्ट ऑफ सॉलिटेड इंटरव्यू अलॉन्ग विद तो डेट ऑफ इंटरव्यू होस्टेड और बी डी एल वेबसाइट ऑन फिफ्थ जुलाई को आपको चार बजे जो है ना ये आपको लिस्ट जो है ना यहाँ पर क्लियर की जाएगी ठीक है ना कौन से लोग शॉर्ट लिस्ट होते हैं न, उसके बाद फाइनली जो है ना आपको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर भी इशू किए जाएंगे ठीक है ना कोई भी आपको फर्दर जो है ना सेपरेट मेल वगैरह नहीं किया जाएगा ध्यान रखेगा और आपका इंटरव्यू का जो डेट है ना वो आपका चेंज नहीं होगा यहाँ पर उसने मैंशन कर दिया है

नाउ सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया रखा गया ये ध्यान रखिएगा सिक्सटी परसेंट मार्क्स आपके होने चाहिए जनरली बाकी एस सी एस कैटेगरी में अगर आपके ओबीसी कैटेगरी में तो आपके सॉरी एस सी एस कैटेगरी में आपके फिफ्टी परसेंट रखा गया है बाकी सिक्सटी परसेंट मार्क्स आपके होने चाहिए ठीक है ना और मेरिट लिस्ट जो आपकी बनेगी वो आपके टोटल मार्क्स जो भी आपके होंगे उसके बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट आपको बनाई कर दी जाएगी ठीक है ना और उसके बेसिस पर आपको कॉल किया जाएगा और ये ध्यान रखिएगा ट्रेवलिंग अलाउंस डेरेंस अलाउंस टी ए डी ए जो ना वो आपको जो है ना कोई भी इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए नहीं दिया जाएगा ये चीज़ ध्यान रखिएगा और ये कॉन्ट्रेक्ट बेसिस की जॉब है ठीक है ना मैं फिर से मैंशन कर दे रहा हूँ ये कॉन्ट्रेक्ट बेसिस की आपकी जॉब है अब क्वेश्चन ये आता है हमारे पास में कि ये जो हमारे पास में ऑनलाइन अपलिकेशन है ये 24 मई से हमारे पास ओपन हुआ था ठीक है ना और इसका लास्ट डेट जो है ना 23 जून शाम को पांच बजे तक है ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा 23 जून शाम को पांच बजे तक इस रिक्रूटमेंट का लास्ट डेट है ठीक है तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं जो लोग का अभी इंटरेस्ट है वो फटाफट जा करके इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए वहां पर आपको अपने बेसिक जितने भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं फोटो सिग्नेचर ठीक है ना वो सारे आपको अपलोड करना रहेगा और वहां से जो है ना आपको फी भी पे करनी है नॉमिनल आपको फी भी की करनी है ठीक है ना तो वो फीस आपको आई थिंक थ्री हंड्रेड थी या फाइव हंड्रेड थी एक मिनट देख लेते हैं जरा फीस वाला पार्ट सैलरी स्लिप और ये सब चीजें जो है ना हाँ चलिए जी एप्लीकेशन फीस हमारे पास यहां पर थ्री हंड्रेड रुपीज आपको जो है ना ये आपको पे करनी है साफ साफ लिखा है ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है ना इनको यहाँ पर फीस पे करनी है ठीक है ना अपलीकेशन फी पेड ये आपको रिफंड नहीं की जाएगी और इसके अलावा बाकी जो कैंडिडेट्स हमारे पास में हैं लाइक हमारे पास सी एस टी फिजिकल इंश्योरेंस उनको जो है ना कोई भी आपको जो है ना बड़ी बड़ी क्या है आ, कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी है ठीक है ना अब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं चौबीस मई से हमारे पास अप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका था तेईस जून इसका लास्ट डेट है पाँच जुलाई को आपके पास जो जो ना लिस्ट मेंसड कैंडिडेट्स होंगे उनका आपके पास लिस्ट आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा शाम को चार बजे तक एंड सेकंड वीक ऑफ जुलाई से आपके इंटरव्यू भी स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है ना तो ये जो लोग भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पोस्ट के लिए फटाफट से जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के अंदर कॉन्टैक्ट बेसिस की जॉब है वन ईयर की ठीक है ना काम का इंजीनियरिंग के सिक्स नंबर ऑफ पोस्ट है ओके सो so, फटाफट से जाकर के अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए बाकी इन फ्यूचर में इसके बारे में अगर कोई भी आपको अपडेट चाहिए हो कोई भी आपको हेल्प चाहिए होगा तो आप मेरे टच में रहिए एंड रहिएट में रहिए ठीक है ना सो तब तक के लिए गुड बाय थैंक यू एंड लेट्स